हेलो एवरीवन, कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं वेज चाउमिन। उसके लिए ये हमने 400 ग्राम चाउमिन ली हैं, और ये पत्ता गोभी है ये आधा, और ये हमने टमाटर के स्किन ली है, ये 4 बड़ी गाजर हैं, और ये 2 बड़ी प्याज हैं, और एक शिमला मिर्च है। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस पे एक बर्तन रख दिया है और इसमें इतना पानी डाल दिया है, और इसमें हम डाल रहे हैं नमक करीब 1 स्पून, और इसको अच्छे से बॉईल करते हैं। और देखिए कि पानी हमारा अच्छे से बॉईल होने लगा है, तो अपनी सिवइयों को बिस्मिल्लाह करके इसमें डाले दे रहे हैं। देखिए सबको नीचे कर देंगे इस तरीके से। नमक हम डाल चुके हैं इसमें, और इसमें अब थोड़ा सा ऑयल भी डाल देंगे। तो 1 स्पून ऑयल डाल रहे हैं हम इसमें, ताकि आपस में चिपके ना एक दूसरे से, और इनको थोड़ी सी हिला देंगे बस ऑयल डाल के। देखिए मार्केट से जब ये चाउमिन आती हैं तो ये देख लें कि रबर बैंड वगैरह कई बार एक्स्ट्रा भी इसमें पड़े होते हैं। जैसे मेरे भी अभी निकला, मैंने चेक नहीं किया था ज़्यादा बारीकी से, तो आप लोग भी चेक कर लें एक बार। इसी गैस थोड़ी सी मीडियम कर रही हूँ। देखिए इसमें किस तरह से बाउल आने लगा है। एक दो बाउल और आ जाएंगे फिर इसको। इसको थोड़ा खुला रखना है ताकि ये बाहर बॉईल होके ना निकले, और इसमें इसकी जो है वो बन रही है, भाप बन रही है। जल्दी हमारे ये बॉईल हो गए हैं, अब इनको सबको पलटे दे रहे हैं। इसमें पानी डाल, इसमें ठंडा पानी और डाले दे रहे हैं, ताकि इसका जो कुकिंग है वो रुक जाएगी इससे, और तो थोड़े ठंडे हो जाएंगे। देखो ये बॉयल हो गई हैं, तो इसमें हल्का सा ऑयल और हाथ लगाए दे रहे हैं, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, और इन सबको इस तरह सबको मिला देंगे, ताकि ऑयल जो है वो सारा। देखिए हमारी बहुत शानदार, थोड़ी देर ठंडा करेंगे इनको। देखिए मैंने कढ़ाई को रख दिया है, चाउमीन इतने ठंडे हो रही हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल, ऑयल को गर्म होने देते हैं। तेल गर्म होने लगा है तो सबसे पहले हम डालते हैं प्याज। और ये अदरक था हमारे पास, रल के लिया था हमने, क्रश कर लिया था अदरक को। अदरक डाल रहे हैं, हमारे पास इतना लहसुन साबुत नहीं है, तो लहसुन भी हम पिसा हुआ डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा प्याज को हल्का सा सौते करते हैं। अच्छा जी, लहसुन हमारे पास क्रश नहीं है, तो लहसुन हम पेस्ट डाल रहे हैं। अगर मजबूरी है तो आप इस तरह डाल सकते हैं, क्योंकि बगैर लहसुन के कोई चीज़ में वैसे मज़ा भी नहीं आता। तो इस तरह से ये भुन भी जाएगा, और इसका रॉ स्मेल जो है वो भी निकल जाएगी। तो इसी के साथ हम इसको फ्राई करे ले रहे हैं, वरना आप लोगों के पास अगर लहसुन साबुत हो तो आप छोटे छोटे उसको करके, क्योंकि लहसुन की भी बहुत अच्छी गार्लिक की तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, और स्मेल भी बहुत अच्छी आती है। अब इसमें डाल रहे हैं हम अपनी गाजरें, कि गाजरें थोड़ी सी सख्त होती हैं, इनको थोड़ा सा गलने में, फ्राई होने में भी थोड़ा सा वक्त लगता है। बाकी सब्जियां सब हमको क्रंची क्रंची चाहिए, बहुत गली हुई नहीं चाहिए। तो थोड़ा सा गाजरों को फ्राई करते हैं। देखिए गाजरें भी हमारी फ्राई हो गई हैं 2 से 3 मिनट,
अब इसमें हम अपने पत्ता गोभी डाल रहे हैं। देखिए सब्जियां मैं बहुत ज़्यादा डाल रही हूँ क्योंकि मार्केट में तो बहुत नाम के लिए सब्जियां डालते हैं, सब्जी वहाँ बहुत ज़्यादा इन डालते हैं, पर मैं घर ही अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो मैं इसमें सब्जियां खूब सारी भर के सब्जियां डाल रही हूँ। आपको सब्जियां ज़्यादा नहीं पसंद हो, वैसे सब्जियां किसको पसंद नहीं है, बच्चे ऐसे तो सब्जियां खाते नहीं हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हम बनाएंगे तो बच्चे कम से कम सब्जियां कुछ तो बच्चों के पेट में पहुँची। खाली ये मैदा है ये भी खाली जाएगी तो ये भी पेट को नुकसान करेगी, तो ये हमें फाइबर के लिए भी। दोनों सब्जी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो अब हम ये टमाटर और ये भी डाल देंगे शिमला मिर्च, इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये थोड़ी ये क्रंची क्रंची सब्जी रहेंगी ना तो ज़्यादा अच्छी लगेंगी, तो इसलिए ज़्यादा फ्राई इनको नहीं करेंगे, थोड़े गैस को तेज़ करेंगे। और अब डालेंगे हम सबसे पहले नमक, क्योंकि सब्जियों में हमने इसमें नूडल्स में तो डाल दिया लेकिन सब्जियों में नमक हमें पहले ही डालना है ताकि सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसमें डाल रहे हैं हम एक आधा चम्मच काली मिर्च डाल रहे हैं, आप अपने नूडल्स के हिसाब से और अपने जायके के हिसाब से डालिएगा। और एक चम्मच डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स, अब बस इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। सारी सिवैयों को कुछ मिला करके इसमें पलटे दे रहे हैं, थोड़ी सी बचाए ले रहे हैं कि इसमें लग रहा है बर्तन छोटा हो गया और सिवैयाँ हमारी ज़्यादा, तो हम थोड़ी सी बचाए ले रहे हैं तो बॉयल की हुई बाद में भी यूज़ हो जाएंगी, तो हम आधी बचाए ले रहे हैं इसमें से, आधी से थोड़ी कम बचाए ले रहे हैं। देखिए हमने इतनी बचा ली है और इनको मिक्स करते हैं। अब सबसे पहले डालते हैं इसमें हॉट सॉस और टमाटो सॉस, फिर डाल रहे हैं इसमें 2 स्पून के करीब विनेगर और 2 स्पून ही डाल रहे हैं इसमें सोया सॉस, आप अपनी सिवई के हिसाब से डाल लीजिएगा। मेरी ये प्लेट ये छोटी हो गई है और सब्जियां ज़्यादा हो गई, मिक्स कर देंगे हमारी चाउमीन बहुत अच्छे से मिल गई हैं सब। देखिए नीचे तक हमने सब अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और नमक वगैरह भी सब बिल्कुल अच्छे से है, जितना हमने डाला था उसी हिसाब से बिल्कुल ठीक है नमक, लेकिन ये है कि हमने पूरी फैमिली के लिए बनाई उस हिसाब से मैंने पूरा पैकेट ही कर लिया था कि अगर जितना आ जाएगा उतना बना लूँगी बाकी बचा दूँगी। देखिए हमारी शानदार है, इतनी हम बाहर से ख़रीदेंगे इतने पैसों में तो हमारी पूरी फैमिली पेट भर के खा लेगी, और ये फुल कंजूसी सस्ता जुगाड़ अपने घर में लाइए, घर में बनाइए, साफ़ सुथरा भी सब कुछ वहाँ से तो बहुत ही साफ़ सुथरा होता है जो बाहर बनता है, तो चलिए हमारी बन के तैयार होगी, सर्व कर दीजिए। चाउमीन हम सर्व कर रहे हैं, देखिए कितनी शानदार चाउमीन बनी है हमारी, बिल्कुल बाजार जैसी चाउमीन बनी है, देखिए ये शानदार। ये सब्ज़ी अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो सब्ज़ी आपको खिलानी है तो अब इसी तरीके से खिलाइए, कि मार्केट में जो देते हैं वो लोग तो सब्ज़ी ज़्यादा डालते नहीं हैं, लेकिन हमने तो खूब सारी सब्जियां डाली हैं, सब्जियों से लबालब कि ये पचने में भी आसान रहेंगी। शानदार से हमारी तैयार हो गई, देखिए आपको कैसी लगी मेरी, देखिए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।